हाय फ्रेंड, वेलकम बैक केसी पोएट्री ऑफिशियल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मेरे यूट्यूब परिवार को मेरी तरफ से शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और आप उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को अपनी एक कविता के माध्यम से सच्चाई से रूबरू कराना चाहती हूँ। सच्चाई से, आप जानते हैं कि ये जो जनरेशन चल रहा है, ये जो चल रहा है समय, इसमें सब नंबर एक क्वालिटी का हो गया। पहले की चीज़ों को लोग इग्नोर करते हैं, फेंक देते हैं, वेस्ट करते हैं। बट मैं बताना चाहूँगी पहले और अब में अंतर क्या हुआ। जो चीज़ों को लोग बेस्ट समझते हैं, जो जिस चीज़ों को लोग ख़राब समझते हैं, नॉर्मल समझते हैं, उन चीज़ों में और आज की बेस्ट क्वालिटी में अंतर क्या रह गया, बस उसी से अवगत कराना चाहते हैं। सो गाइस, लगे रहिए मेरे चैनल पर और प्लीज़ चैनल में वीडियो को मिस मत कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक आपको ट्विस्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। सो गाइस, आ जाइए, चलिए बताते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हमें विज्ञान कहाँ से कहाँ ले आया। देखिए, हमें विज्ञान कहाँ से कहाँ ले आया। आज लोग विज्ञान के टीचर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, हर चीज़ बनते हैं, लेकिन विज्ञान हमें लाया कहाँ, यही तो जानना है। तो आइए जानते हैं आज यशी मिश्रा की जुबानी। सो गाइस, लगे रहिए, आ जाइए। सो गाइस, मैं बताना चाहूँगी पहले वो कुएं का मैला कुचैला पानी, पहले वो कुएं का मैला कुचैला पानी पीकर भी हम 100 साल जी लेते थे। अब आरओ का शुद्ध पानी पीकर 40 वर्ष में बूढ़े हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई मजाक नहीं है दोस्तों। अब आरओ का शुद्ध पानी पीकर भी 40 वर्ष में बूढ़े हो जाते हैं। गाइस, सोचिए, पहले वो घाड़ी काठ वाला मैला सा तेल खाकर बुढ़ापे में भी मेहनत कर लेते थे लोग अब हम डबल ट्रिपल फिल्टर वाला तेल खाकर भी जवानी में ही हाँफ जाते हैं। सोचिए ज़रा, विज्ञान हमें कहाँ से कहाँ ले आया। पहले वो डले वाला नमक खाकर हम बीमार नहीं पड़ते थे। अब हम आयोडीन युक्त नमक खाकर हाईलो बीपी लिए पड़े रहते हैं। पहले नीम बबूल कोयला नमक सभी से दांत चमकाते थे और अब पहले नीम बबूल कोयला नमक सभी से दांत चमकाते थे और 80 वर्ष तक भी चबा चबा कर करते थे। हम सबके आपके यहाँ अभी भी दादा होंगे, सोचिएगा चने को कितने मस्त तरीके से फोड़ते होंगे, आराम से चबा लेते हैं। लेकिन आज किसी को अखरोट तोड़ने को कहा जाए तो उसे लोहे की सामान या फिर ईंट की ज़रूरत पड़ती है। अब नमक वाली कोलगेट है फिर भी रोज डेंटिस्ट के चक्कर लगाया करते हैं। पहले नाड़ी पकड़कर रोग बता देते थे डॉक्टर। अब दस जांचें कराने के बाद भी रोग नहीं जान पाते हैं डॉक्टर। सात आठ बच्चों को जन्म देने वाली माँ 80 वर्ष में भी खेत का काम करती थी। 80 वर्षों में भी खेतों का काम करती थी।
अब पहले महीने से डॉक्टर की देखरेख में रहते हैं, अब पहले महीने से ही डॉक्टर की देखरेख में रहते हैं, फिर भी बच्चे पेट फाड़ निकलते हैं, फिर भी बच्चे पेट फाड़ कर जन्म लेते हैं। पहले काले गुड़ की मिठाइयाँ ठोक ठोक कर खा जाते थे हम, पहले काले गुड़ की मिठाइयाँ ठोक ठोक कर खा जाते थे हम, अब खाने से पहले ही रक्त शर्करा और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब खाने से पहले या मिठाइयाँ खाने से पहले रक्त शर्करा और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें शुगर की परेशानियाँ हो जाती हैं, शुगर की बीमारी हो जाती है। पहले बुज़ुर्गों को भी घुटने नहीं दुखते थे, पहले बुज़ुर्गों के भी घुटने नहीं दुखते थे, अब जवानी में ही घुटने और कंधों के दर्द से लोग कराह जाते हैं। पहले बुढ़ापे में भी लोगों के घुटने नहीं दुखा करते थे, अब जवानी में ही लोगों के घुटने और कंधे का दर्द से कराह जाते हैं। समझ नहीं आता ये विज्ञान का युग है या अज्ञान का, समझ नहीं आता दोस्तों ये विज्ञान का युग है या अंधकार का या अज्ञान का। सो गाइस, देखते रहिए विज्ञान का, विज्ञान हमें कहाँ ले जाता है। बहुत गर्मी है घर में, पहले गाय की, कुत्ता, पक्षियों की, रिश्तेदारों के हिस्सों की रोटी बनती थी रोज घर में, फिर भी घर का बजट संतुलित रहता था, न जाने क्यों। महिलाओं के लिए कोई जिम या कसरत के साधन नहीं होते थे, फिर भी महिलाएं हमेशा स्वस्थ रहती थी, न जाने क्यों। घर कच्चे होते थे, हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, घर कच्चे होते थे, कमरे कम होते थे, लेकिन माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाते थे। न जाने क्यों। जितने खिलौने आज के बच्चों के पास है दोस्तों उतने नहीं होते थे बचपन में, फिर भी हर खेल बहुत ही आनंदित रहता था, न जाने क्यों। ये उन दिनों की बात है दोस्तों जब सोशल मीडिया नहीं था दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों और बचपन का मंजर आंखों के सामने मंडराया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर करना कि ये लाइनें आपको कैसी लगी। चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों का कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने से, सिर्फ एक बटन ही तो क्लिक करनी होती है, बट मेरा हौसला ज़रूर बुलंद हो जाता है। हाँ, आपके एक सब्सक्राइब कर देने से, एक लाइक कर देने से, कमेंट कर देने से मेरा हौसला ज़रूर बुलंद हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।